नमस्कार दोस्तों, रजनी मिश्रा चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड देखिए, आज तो बहुत अच्छा मौसम था और अच्छी सी धूप भी निकली थी, तो कुछ प्लांट भी बहुत सुंदर लग रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ एक DIY, और उसमें लगाऊंगी मैं गेंदे की कटिंग। और वो गेंदे मैंने फ्रेंड्स अपने बीज से ही ग्रो किए हैं, फ्री के अपने कुछ प्लांट बनाए हैं गेंदे के। तो इसको मैं एक पॉट बनाने वाली हूँ फ्री का, और कबाड़ का जुगाड़ करके। तो देखते हैं वीडियो में कैसे मैं पॉट बनाने वाली हूँ और कैसे मैं गेंदे की कटिंग्स लगाने वाली हूँ, बिल्कुल फ्री का फ्रेंड्स। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सरप एक्सल की बोतल है, और देखिए इसका मैंने ये रैपर भी नहीं निकाला है, तो आप देख सकते हैं सरप एक्सल की बोतल है, 1 लीटर की है फ्रेंड्स। तो देखिए कितना अच्छा सा ये एक पॉट्स बन के तैयार हो जाएगा, और हम इसी में लगाने वाले हैं अपनी कटिंग। और देखिए इसका मैंने रैपर निकाल दिया है, और इसका कलर कुछ इस तरह से है। तो फ्रेंड्स, हमको इस पे पेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैंने इसको कट किया है फ्रेंड्स, और इसको जो काटा हुआ है ये देखिए, इस तरह से जो काटा हुआ है वो निकल गया है। ये इस तरह से मैंने इसी के अंदर पड़ा है, तो ऐसे मैंने इसको काटा है। और फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास कुछ कैंची से भी आप काट सकते हैं, लेकिन मैंने तो इसको गरम चाकू करके मैंने काटा है। तो इस तरह से आप चाकू से भी काट कर और अच्छे से शेप दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा हमारा फ्री का प्लांटर बन जाएगा फ्रेंड्स। तो देखियो, ये देखिए यहाँ पर मैंने किए हैं फ्रेंड्स होल, और यहाँ पर भी किए हैं, तो इसको मैं हैंग कर दूंगी। और यहाँ पर भी होल किए हैं, जिससे ड्रेनेज होल है, इससे हमारा पानी बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मैं रैपर हटा दूंगी यहाँ से कुछ इस तरह से। देखिए आप इस तरह से आप कट करके, और इसका हम रैपर हटा देंगे। देखिए तो फ्रेंड्स, कोई भी हमारे कबाड़ निकलता है मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ, और अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ। और ये इसी कबाड़ का ही जुगाड़ करके मैंने अपना पूरा का पूरा गार्डन बनाया है, और आपको मैं आपके साथ में फ्रेंड्स शेयर भी करती रहती हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं रेफर को हटा देती हूँ। देखिए आप इस तरह से कट करके इस रैपर को निकाल देंगे, और इसके अंदर भी फ्रेंड्स मैंने हॉल कर लिए हैं। देखिए कट किया है और हॉल भी कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से मैं इसको निकाल देती हूँ पहले। बहुत ज़्यादा टाइट है, और ये जो के ऊपर जो पन्नी है फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल में कटती है। देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको काट दिया है। देखिए सारा निकाल दिया फ्रेंड्स, और देखिए ये ढक्कन है, ये आप लगाइए, और इसका ऊपर वाला जो ढक्कन था वो मैंने हटा दिया है। और इस तरह से मैंने इस पर ड्रेनेज होल बनाया है, और यहाँ हैंग करने के लिए भी मैंने होल बनाए हैं। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, इसके अंदर देखते हैं किस तरह से मैं मिट्टी बनाऊंगी और कौन सी कटिंग लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इसके ये यहाँ से मैं हैंग करूँगी। तो ये मैंने लिए सुतली धागा, और ज़्यादातर मैं सुतली धागा का यूज़ करती हूँ, और जब कुछ नहीं होता तो फ्रेंड्स अपने घर में जो भी धागा पड़ा होता है उसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं इसको हैंग करने वाली हूँ। तो यहाँ से ये धागा निकाल लूँगी, और ये अंदर की तरफ से इसमें गांठ लगा दूँगी। और इस तरह से ये धागा ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और इस धागे को मैंने डाल लिया है, और यहाँ से फ्रेंड्स मैं लगा दूँगी इसमें गांठ। अच्छे से गांठ लगाएंगे, जिससे ये हैंग करेंगे तो ये धागा निकले ना। तो इस तरह से मैं इसको हैंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए आप, बहुत ही फ्री का ये कबाड़ का जुगाड़ है, और हमारे घर में अक्सर ये सरफ आता रहता है कपड़े धोने के लिए फ्रेंड्स। तो हम
इसको बहुत आसानी से इन डिब्बों को फेंकेंगे नहीं और बहुत आसानी से हम इनको यूज़ कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से भी हम इस हैंग को बनाएंगे। अब बनाने के बाद फ्रेंड्स मैं फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरे हैंगिंग बनकर रेडी हो चुके हैं। कुछ इस तरह से मैंने ये हैंग किए हुए हैं। देखिए इस तरह से मैंने फ्रेंड्स ये हैंगिंग बना लिए हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए आप इस तरह से दोनों हैंगिंग बन चुके हैं। अब इसके अंदर मैं लगाऊंगी प्लांट, तो आप वीडियो को पूरा देखना प्लीज। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो बॉटल है सरप की, मैंने इनको बहुत अच्छे से बॉस किया था। बॉस करके जब मैंने इनको ये हॉल बनाए हैं और इस तरह से हैंगिंग बना लिया। आप कुछ DIY भी कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स मैंने नहीं कर पाया है, इस पर DIY करूंगी। कोई बात नहीं, पौधा भी लगा दूंगी उसके बाद भी मैं कर दूंगी इस पर। तो देखिए अब मैं क्या करूंगी फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं डालूंगी ये जो मूंगफली के छिलके हैं। आप बहुत ही आसानी से इनको अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स कैसे यूज कर सकते हैं देखिए बता रही हूँ वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स ये जो है आप इनको अंदर डाल के और अपना ये जो प्लांटर है हल्का बना सकते हैं। और फ्रेंड्स ये खाद के भी काम आते हैं। तो इस तरह से मैं दोनों प्लांटर में इनको डाल लूँगी। देखिए कुछ इस तरह से इन छिलकों को मैं इनके अंदर भर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो इनसे मेरे ये प्लांटर हल्के भी फ्रेंड्स हो जाते हैं और ये बहुत ही अच्छी इनकी खाद भी बन जाती है। और फ्रेंड्स आप इन छिलकों को मल्चिंग के काम भी आते हैं। ये जो छिलके मूंगफली के होते हैं इनको आप भर के रख लीजिए किसी प्लास्टिक के डिब्बे में और टाइट करके लगा दीजिए, तो ये छिलके खराब नहीं होते हैं। इनको आप मल्चिंग कर सकते हैं अपने पौधों में। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो गमले के ऊपर डाल दो और पानी जब आप डालेंगे तो इन छिलकों की वजह से उसके अंदर नमी रहेगी फ्रेंड्स। तो इनको आप मल्चिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इन छिलकों को आप पीस कर भी अपने पौधों में दे सकते हैं। इनकी बहुत अच्छी खाद भी बन जाती है और ये छिलके बहुत ही उपयोगी हैं। तो फ्रेंड्स इनको कभी मत फेंकिएगा। आप मूंगफली तो खाते ही हैं सर्दी में, हम सबके घरों में मूंगफलियाँ आती हैं और खूब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मूंगफली को आप गार्डन में बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने मूंगफली के छिलके डाल लिए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इनके अंदर अब मैं भरने वाली हूँ। देखिए ये जो है मेरे पास छिलके गाजर के, तो इन छिलकों को मैं इनके अंदर डाल दूंगी इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इन छिलकों को मैं इनके अंदर भर दूंगी। इससे फ्रेंड्स क्या है कि मेरे ये जो हैंगिंग है बिल्कुल बिल्कुल हल्के बनके तैयार होंगे, बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं इन छिलकों को इनके अंदर भर लिया है। अब इनके ऊपर फ्रेंड्स मैं डाल दूंगी ये मिट्टी। ये देखिए इसके अंदर मैंने मिट्टी रखी हुई है, इस मिट्टी को मैं इनके अंदर भर दूंगी। ये जो प्लांटर है हमारे इनके अंदर मैं भर दूंगी इस तरह से, और अंदर की तरफ से इसको इस तरह से दबा दूंगी। तो इसमें भी मैं भर लेती हूँ फ्रेंड्स इस तरह से। बहुत ही सुंदर आइडिया है फ्रेंड्स ये। और देखिए बहुत अच्छे से हमारे ये प्लांटर बन गए हैं और इनके अंदर मैंने मिट्टी भी डाल दी है। और देखिए जो मैंने इसके अंदर ये जो डाला है किचन बेस, वो उससे फ्रेंड्स से बहुत अच्छी इसमें खाद भी बन जाएगी और अच्छे से ये मेरा प्लांटर भी चलता रहेगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये जो है काफ़ी दिन पहले मैंने इनको ग्रो किया था बीज से। अब देखिए आप कितने बड़े बड़े ये हो चुके हैं। तो मैं इनको इसमें से इस तरह से फ्रेंड्स निकाल लूँगी, मिट्टी सहित निकाल लूँगी इस तरह से। तो हमारे ये बहुत ही आसानी से ये लग जाएंगे। तो इनको मैं अभी देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं इनको लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से मैंने इनको इस बोतल के अंदर रख दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ पानी, अच्छे से पानी दूंगी। और अभी सर्दी का टाइम है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है,
जब हम प्लांट लगाते हैं तो हम अच्छे से अपने प्लांट में पानी डालते हैं। और जब अब सर्दी का टाइम है फ्रेंड्स, तो जब मिट्टी इसकी ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल सूख जाएगी, तभी हम अपने इस प्लांट में पानी देंगे। और अब देखना फ्रेंड्स, इसके अंदर जब फ्लावर खिलेंगे तो बहुत ही प्यारे से हमारे ये प्लांटर दिखेंगे। तो मैं हमेशा आपके साथ वीडियो को शेयर करती रहती हूँ और आपको इनका अपडेट भी दिखाती रहूँगी किस तरह से हमारे ये प्लांटर चल रहे हैं। तो इनको मैं अभी हैंग करने वाली हूँ, तो आप देखना कहाँ पर मैं हैंग करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल फ्री के हमारे ये गेंदे के जो प्लांट हैं, बिल्कुल फ्री के हैं। मैंने बीज से उगाए हुए थे और ये मेरे बिल्कुल फ्री के ये पॉट्स हैं फ्रेंड्स। इनको मैंने फ्री का बनाया हुआ है। और जो सर्फ एक्सेल की जो बॉटल होती हैं, उनको हम यूज़ करते हैं अपने घर में, तो इनको फ्रेंड्स मैं कभी नहीं फेंकती हूँ। और मैंने दोनों बॉटल को इस तरह से रख लिया है। अब मैं इनको हैंग करने वाली हूँ, तो दिखाती हूँ कहाँ पर मैं इनको हैंग करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इनको हैंग कर दिया है और कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। और आप देखिए कितने अच्छे से प्लांटर लगे हुए हैं। तो ऐसे आप कबाड़ का जुगाड़ करके अपने गार्डन को फ्रेंड्स सजा सकते हैं। कुछ पहले मैंने इस तरह का बनाया था और इस तरह से मैंने DIY किया था। और इनको फ्रेंड्स मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। इस तरह से इनके ऊपर पेंट पहले से ही है, तो ये कलरफुल हैं, तो इनको पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इन पर भी नहीं किया फ्रेंड्स, सिर्फ इनका मैंने इस तरह से कुछ फेस बनाया हुआ था और ये प्लांट लगाया। आप देखिए कितने अच्छे से प्लांट चल रहा है। तो इसी तरह मैंने इनके अंदर भी लगा दिया। और इनको मैंने यहाँ पर इसलिए फ्रेंड्स से हैंग किया है कि ये जो गेंदे के जो होते हैं ना प्लांट, इनको पूरी धूप चाहिए पूरे दिन की, तभी ये अच्छे से ग्रो करेंगे और तभी अच्छे से इनके ऊपर उनमें फ्लावर आएंगे। तो इसलिए इनको मैंने यहाँ पर हैंग किया। अभी सर्दी का टाइम है, थोड़ा यहाँ पर धूप आ जाती है अच्छे से, और जब भी धूप आएगी तो यहाँ पर आएगी। और कुछ देखिए, यहाँ पर भी मैंने इसको यहाँ पर भी बनाया हुआ है, देखिए इसी सरप की बोतल से। और इस तरह से मैंने फेस बनाया है और इसके अंदर भी मैंने रियो का प्लांट लगाया है। बहुत अच्छे से फ्रेंड्स ये चलते हैं इनमें। तो इस तरह मैंने गेंदे, जो हमारा गेंदे का है ये प्लांट, वो मैंने लगाया है। गेंदे के प्लांट को बहुत ज़्यादा रूट नहीं होती है, हल्की रूट होती है, तो इसलिए बहुत आसानी से ये प्लांट में चलेंगे और जब फ्लावर आएंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। तो आपको मेरे ये प्लांट बनाने का तरीका कैसा लगा? फ्री के प्लांटर मेरे आपको कैसे लगे हैं? अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना फ्रेंड्स, आपको मेरे ये पॉट कैसे लगे हैं और कैसे लगा मेरा प्लांट। थैंक यू।